beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 धन्यवाद 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 तेरे अद्भुत कृपा के कारण, तेरे अद्भुत करुणा के कारण हम तेरे संतान, तेरे चरणों में आने के सामने सकी है। योग्यता बिल्कुल नहीं, कृपा 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 ऐसे चिल्लाते हुए पर हमारे उद्धार यीशु मसीह का शरीर फाड़ दिया जाने के कारण हमें प्रवेश मिला। लघु दुआ होकर नंगे पैर वो भारी क्रूस उठाकर चलकर चलकर हमारे लिए उसने मार्ग बनाया ताकि हम परमेश्वर के कृपा के पास आ सके। महादेव तेरे पवित्र पवन धन्यवाद की गलिया चढ़ाती है, तुम्हारी सहायता कर ताकि हम इतना पवित्र और तेजोमय परमेश्वर के सम्मुख उचित रीति से आ जाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, सबसे पहले प्रभु जी इस तेरे गरीब दास को, इस नीच इंसान को, इस कुटिल मनुष्य को तैयार कर दे। मुझे थोड़े मुझे थोड़े मुझे थोड़े अंदर बाहर उनको थोड़े जन को भी तैयार करते जावा ताकि हम पूरी तैयारी से चित्त से मन से तेरे मुस्तरी में बैठे पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करते रहे मंडराते रहे। जैसे हम प्रभु को निकलिए तेरे प्रवेश के सभी बात हमें तैयार कर सकता कर प्रभु, तेरे भवन को तू तैयार कर प्रभु। हर तरह की अशुद्धता हर तरह की प्रभु मजाक हर तरह का है ये भवन परमेश्वर की आराधना के लिए और रोटी तोड़ने के लिए पवित्र और अलग किए जा रहे। विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को दुष्ट आत्मा से न हो यीशु के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में और परमेश्वर की ओर से पाए हुए अधिकार से डांटता मारता हूं। यह पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता में हम तेरी आराधना करेंगे, हम रोटी तोड़ेंगे। यीशु के चेदित हाथों से तैयार किया गया है प्रियजन, हमारी रेगिस्तान में दुश्मनों के सामने का छाया गए वेश पवित्र है। वेश के ऊपर के सारे पदार्थ और पंत पवित्र है, पवित्र आत्मा यहां मंडराता है। यीशु उपस्थित है, रोटी पवित्र है, यीशु का पावन शरीर है हमारे लिए तोड़ दिया गया है, दाखरस पवित्र है। यीशु की ओर से बताया गया पवित्र लहू है,
इसमें सेवा करने वाला दास पवित्र किया गया है यीशु के नाम के कारण, उसके पवित्र वचन के कारण, पवित्र आत्मा के कारण ही तू ये मन में सिखाएगा कि वे पवित्र हो जाए यीशु के पावन लहू के कारण। आयुष मरतारिक वाम खिलार के पिता अब आए हैं, भूखे और प्यासे आए हैं, सरगीन आए हैं, नंगे आए हैं, पैदा खिला महिमा से थारी दिया महिमा देवी को सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगता आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र और अद्भुत नाम के लिए अब अद्भुत नाम की महिमा को और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और एक बार इस महीने के मैंने द्वार खोली रोटी तोड़ने के लिए और आराधना करने के लिए उसके चरणों में इकट्ठा होने का अवसर प्रभु ने दिया है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर कष्ट सहकर अपने आप पे आने कराए प्रभु बहुत ऐसे आशीर्वाद। मैं आप सबों का स्वागत भी करता है यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र होने में। आरंभ में मैं कुछ कहना चाहता कि हाँ वक्त कुछ बीमारियां फैल रहा है, मौसम खराब है और बुखार है, खांसी है, ये सब है। हो सकता है मैं ठीक नहीं तो आपको खाने की पिलाएंगे एक अच्छी बात है, याद दिला के एक दूसरे को तकलीफ में नहीं डालना है। आप में से अधिक लोग बड़े विश्वास में दृढ़ है, मुझे मालूम है लेकिन बाइबल में इसे लिखा भी है कि तेरा परमेश्वर की परीक्षा लिखा है तो हमें करना नहीं। और दूसरी एक बात है कि बाइबल में लिखा है जो दाहिने हाथ कहते करते हो तो बाएं हाथ, लेकिन हमारे बाएं हाथ कहते ये बिल्कुल गलत, वो दान दे रहे हैं बोलते आप आपके दहीने हाथ सबको मिलाते हैं और मैं बेकार नहीं समझता, तो उससे अच्छा बोलते कि आप मेरे साथ हाथ को के समझते तो दोनों हाथ खुश है, दोनों उसमें भाग लेता है, नहीं तो एक ही हाथ है एक हाथ में से पड़ा लेते हैं। अच्छा इसमें क्या बोलते हैं कि दोनों खुश हो जाते हैं तो बाएं हाथ और दहीने हाथ खुश हो जाएगी। तो आप ऐसा करके मेरी सहायता करना, मेरा बिल्कुल नजदीक आना ठीक है। अच्छा भी लंबाई से भी All right.
सियोन से है ये, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के ओर से, चुड़ाए गए लोगों की ओर से बार बार रोटी कहां रखना, परमेश्वर के सब उसकी उपस्थिति में रखना, और रोटी का नाम है द ब्लड ऑफ अगम, ब्रेड ऑफ इस प्रेसेंस, उसके उपस्थिति का रोटी है। आज बाद में और एक बार पढ़ा तो मैंने एक चीज को देखा, उसके चारों ओर सुगंध डाला है, मुझे ये सुगंध क्यों चाहिए? और आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहां लिखा है ये रोटी जलाया नहीं जाता, परंतु यह रोटी परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाया जाने वाला बलि है, इसलिए सुगंध। जब बलि जलाकर उसके साथ सुगंध मिलाता है तो उसके चारों ओर ऐसे सुगंध बलि डालता है और ये रोटी रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में सदा बने रहना, एक शब्द से दूसरे शब्द तक बने रहना और दूसरे शब्द को उसको बदलता है। तो मैं सोचे ये क्या चीज है, ये रोटी खाने का भी है, ताजगी से वहां प्रभु की उपस्थिति में रहना भी चाहिए। ये हफ्ता का रोटी आने वाले हफ्ता के लिए नहीं है और ये फेंकना है, नहीं है। हम लेवी व्यवस्था को पुस्तक से पढ़ते निर्गमन को पुस्तक से पढ़ने के मेरे पास समय नहीं है। इसका 24वां अध्याय में शायद हम ये देखते हैं कि वहां लिखा है कि चार मैं नहीं पढ़ता, पांचों वचन से पढ़ते, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में ढेपा का 1/10 अंश मैदा हो, रोटी का सब नाप पक्का है, एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। ऐसा नहीं कि किधर से भी कोई रोटी उठा के लेकर आया, परफेक्ट ब्रेड होना और पूरी अच्छी रीति से फाइन फ्लोर यू टू मेक इट। एंड लिखा है यू शैल सेट द टू पायो 16 इन पायो ऑन द टेबल ऑफ प्योर गोल्ड बिफोर द लॉर्ड, चौके सोने का जो बेस है उसके ऊपर उसको सही रीति से लगा के रखना है। एंड यू शैल पुट प्योर फ्रैंकिंसेंस ऑन ईच फायर, चलिए कहा है एक एक पंक्ति पर चौक का लोबान रखना, लोबान रखना है, चौक का अपनी गुना रही फ्रेश स्पाइस फ्रैंकिंसेंस उसके ऊपर ऐसा स्प्रिंकल करना है ताकि पे गो विद द ब्रेड एज ए मेमोरियल पोर्शन, as a food offering, as a memorial portion, as a food offering to the Lord. ये क्या है? ये बलि है कि वो रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु हो, ये वोट के लिए हाउ यू गो तो उसके बाद कहता है एवरी सेवन एंड शाल अरेंज बिफोर द लॉर्ड रेगुलरली from the for the people and from the people of Israel as a covenant forever. ये कहते ये चीज प्रति विश्राम दिन को वो नित्य होवक समुक्त से रखा करे, ये सदा की वाचा की रीति इस्राएलियों की ओर से हुआ करे। ये सिर्फ आरोन का काम नहीं है, आरोन चुन लिया गया है, ये कार्य इस्राएलियों की ओर से करने के लिए। हमें पता चला ये बलि है, हमें पता चला ये वाचक का रोटी है, हमें पता चला ये परमेश्वर की उपस्थिति का रोटी है, ठीक है? और बहुत लोगों से बहुत ज्यादा ध्यान से ये चीज करना है। इतना ही नहीं, इस शादी को होली प्लेस ये हारून और उसके पुत्रों की होगी और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाए, क्योंकि यहोवा के अव्यय में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्त्र ठहरी है। यह साधारण रोटी नहीं है कि परमेश्वर के सम्मुख इस्राएलियों की ओर से चढ़ाया गया बलि के उतना ही महत्व के साथ महायाजक और उसके संतान खाए, कहा पवित्र स्थान में। तो मैंने अभी
अभी तक उसको इतना ध्यान से नहीं पढ़ा कि साथ के बाद में पढ़ा तो मुझे पता चला कि सिर्फ इस्राएलियों के लिए और आरण और उसके संतान के लिए रखा गया कुछ रोटी नहीं है, ये परमेश्वर की उपस्थिति का रोटी है। यीशु ने कहा मैं जीवन का रोटी हूं जो स्वर्ग से आकर तुम्हें जीवन देता। यीशु ने अपने आप को ऐसा सुखा की बलि चढ़ाया परमेश्वर के सम्मुख और ये रोटी तोड़ दिया गया। उस गति बलि था परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलि, परमेश्वर अति प्रसन्न हुआ पुत्र की बलि के कारण। और ये सुगति बलि है और ये परफेक्ट है जिस पाप जिस कलंक है और हमारे लिए है। इसराइलिया ये नहीं कर सकता लेकिन इसराइलियों के लिए किया जाता है। महायाजक ने किया है, किसने किया है? महायाजक ने इसराइलियों के लिए पवित्र स्थान में घुसकर, इसराइली तो आकर के आकर बलि चढ़ाते हैं लेकिन पवित्र स्थान में घुसकर एकमात्र बलि है वो इसराइलियों के लिए है। परमेश्वर के सम्मुख निरंतर रहता है। यीशु ने कहा तुम्हारे भी हो जाओ, मैं जाता हूं पिता के पास और वचन कहते हो सदा सर्वदा पिता के पास उसके दाहिने पास में बैठ के हमारे लिए विनती बिचवई कर रहा है। वही ये रोटी हमारे लिए है, वो सुगंधी है लेकिन वो पीसा गया। फाइनली गाओ तोड़ दिया गया, पीसा गया, इतना अधिक बनाया गया, नाइस फ्लोर से बनाया, पक्का किया गया। वचन कहता है पिता परमेश्वर को ये पाया कि अपने पुत्र को कष्ट सहने से ऐसा सिद्ध करे, परफेक्ट करे, परफेक्ट इतना सिद्ध किया गया, परफेक्ट किया गया, आटा से बनाया गया रोटी है, ये परमेश्वर के संगति में उपस्थिति में सदा बने रहता है, वो सुगंधि है। और यीशु ने कहा वो तेरे लिए है, ये मेरे शरीर तुम्हारे लिए। एक तो प्रभु भोज के बाद दूसरा प्रभु भोज तक से यहां लिखा है ब्रह्मांड शब्द क्योंकि आवश्यक है। This is the presence of the Lord, अर्थात अगले शब्द में भी रोटी आता है। There'll be fresh provision, fresh blessing, fresh anointing. ताली की चाबी शेख है, ताजगी से वो दिलाता है, ताजगी से बनता है, निरंतर अपने जन के लिए है। जब प्रभु भोज के लिए आता परमेश्वर के वचन से वे सिखाता है कि आरंभ और उसकी जो संतान वो भी याचक लोग हैं और वो कैसे अपने आप को शुद्ध करता, कैसे अपने आप को पवित्र करता, चाहता वे सब लोग आता। और ये रोटी को परमेश्वर की उपस्थिति है। बहुत सारे कलीसियाओं में, विश्व में बहुत सारे कलीसियाओं में तो चालक है परमेश्वर का वचन कहता उपस्थिति की रोटी है हमारे लिए है लेकिन स्वर्ग से दिया गया है, ये सुगंधि बलि है जिधर परमेश्वर को प्रसन्न किया वह बलि है। ये लिखा है पवित्र जगह पर पवित्र किए हुए लोगों के लिए। मैं जो कलीसिया में था और अनेक कलीसियों में कहता इवा विशुद्धि बड़ी पूर्ण और मात्र नल्गपड़ दो ऐसे पादरी चिल्ला चिल्ला कर
पवित्र लोगों के लिए है। हमारा मनोम पवित्र जगह पर पवित्रता हमें खाने के लिए परमेश्वर का पवित्र वेश है। इसके लिए हमें तैयार करने वाला सिर्फ हमारा महायाजक है। इसलिए उसका हक था, इसलिए उसी ने यह रोटी लिया, उसी ने छोड़ा, उसी ने खिलाया। जैसे समय मिलेगा तो आराधना में भी कुछ ऐसी बात आ सकते हैं। योग्यता महायाचक रोटी उड़ाने का हक उसका है। उसने ये महिला बेकार वर्त धोकर शुद्ध कर उसमें वो डाल दिया। एक बात करना था, शायद बाद में पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र में कहता है मेरे वेदी के हर वर्ग, मेरे मंदिर के हर वर्ग पवित्र बने रहेंगे। उसके मंदिर के वर्ग आप है यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किया गया। सिर्फ महायाजकों का सकता हमें खिलाने के लिए, महायाजक और याजक लोग का सकता पवित्र जगह हमें खिलाने के लिए। यीशु कहा जब तू एक चित्त से इकट्ठे हो जाओगे तो मैं तेरे बीच में आऊंगा, मैं उस दिन रहूंगा, मेरे कारण जगह पवित्र किया जाएगा और मेरे लहू के कारण तुम पवित्र किए गए हो, मेरे वचन के कारण तुम पवित्र बन चुके हो। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता खिलाने वाला हो एक पल नहीं अटता, पिता के संगति में वो रहता। खिलाता है त्योहार को और एक त्योहार तक हमें उसकी ताजगी में संभाल कर रहता और खिलाता। ये करने के लिए उसने पीना Everything looks alike, like Balaji, like the shoe, like the teacher. Was the Diki roti ho, ya wana ho, har din ka ek hi dikhta hai, lekin kaale din ka kuch aaj ki se wo hame khila. Isliye jab hum pavitra vesh ke paas aate hain, apne aap ko yaad dilate hain ki ek sadharan ek bhojan nahi hai, जैसे नेक कलीसियाओं में सिखाया जाता है, ये सिर्फ परमेश्वर के याद में करने वाली एक एक बोझ है। मुझे तो तकलीफ होता है विश्वास करने को, क्योंकि हम हमें बार वचन से पढ़ते हैं, कई दिनों से हम ये नहीं पढ़ते समय जाने के लिए, आज ऐसा ही देर हो चुकी है। बलि प्रीति से और एक बार पढ़ता, एक भाग भी नहीं पढ़ा, पढ़े बिना कोई प्रभु को नहीं चलाना, लेकिन आप लोग को बाई हार्ट है करके मैं ये पढ़ता नहीं है। अध्याय का 23 में पढ़ता, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी थोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। मुझे अपने डेली पुस्तक से पढ़ा ये रोटी इसराइलियों की ओर से चलाया गया वाली, लेकिन हम इस लेने नहीं कर सकते वो पवित्र नहीं। मैं और आप अपने शरीर को ऐसे क्रूस पर चलाने से कुछ नहीं होता, वो अपवित्र है, मलिन है, वो पापमय है। ये पवित्र रोटी महायाजक की ओर से हमारे लिए रखा गया है, ये रोटी है, ये मेरा शरीर है तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बच्चा है। अब वहां पड़ा उधर खड़ा रहना चाहता था कि ये रोटी वचन का बलि का है, वो
ये काम किया है, उसको मैंने मेरे लहू में गिराया है। मेरे लहू तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होने के नाते ये लहू जब तेरे भीतर जाता वही तुम्हें शुद्ध करता, तो तू योग्य है। नहीं, वो अच्छे कर्म हमारे ऊपर है। उपस्थिति की रोटी की खूबी वो अच्छा रोटी है, अच्छा नहीं तो उसका कारण नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति का रोटी वो अच्छा कबली का रोटी है, उस गंदी है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है। इसलिए कहता जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो नहीं आए प्रचार करते। वो भी क्लेम एवरीथिंग दैट जीसस हैज केम फॉर अस बाय हिज सैक्रिफाइस, ये बलि के कारण यीशु ने हमारे लिए जितना भी परमेश्वर से पाया है वो पूरा पूरा बनाने के लिए मांगते हैं। उसको मृत्यु को प्रचार करता It because of his shed blood I come. It because of his shed body I come. It because of his blessed sacrifice I come. मैं कहूँगा पिता दियों की दाने की है, मेरे उद्धार का बहाया मेरा लहू के यों की दम पर मैं आता हूँ। इसका तोड़ दिया मेरे शरीर के कारण मैं आता हूँ, इसको स्वर्गीय बलि के कारण मैं आता हूँ। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराध ठहरेगा। इसलिए मैं कहता ये स्मरण करके याद करके करने वाले कोई भोजन नहीं है। अगर मैं अनुचित रीति से अपराध ठहराया जाए, क्या अपराध किया मैंने? यीशु के पाप्स और यीशु के लहू की निंदा किया। जब मैं अनुचित रीति से इसके से पान देता यीशु के शरीर और यीशु के लहू को मैं तुच्छ मानता, निंदा करता। इसलिए बेताब मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए। अपने आप को जांचना पर पवित्र शास्त्र बड़ी स्पष्टता से ये बात को कही है। कुछ लोग कुछ कलीसिया में ये बात आज के नहीं पढ़ते, पर बोलते ये पढ़ेगा तो लोग लेगा नहीं, पवित्र शास्त्र में है। तो मुझको भी एक पास्टर ने कहा कि आप ये बात नहीं पढ़ना, ये पढ़ेगा ना कोई प्रभु को ही नहीं लेगा, ये पढ़ता तब ये उपदेशा आप अच्छा तब करता, हम अपने आप को जान जितना सारी गलतियों कबूल कर पश्चात अहंकार में से मैं निष्पाप हूं मैं धर्मी हूं ऐसे कहीं भी नहीं आता। अपने आप को जांचने का अवसर है। यह लिखा है कि मनुष्य अपने आप को जांच ले, ऐसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरी में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त प्रभु की देह को भी नहीं पहचाने उस खाने पीने से अपने ऊपर धक लाता है। दो कार्य करने को हमको कहा, एक अपने आप को जांचने का, हमारे हृदय की सारी मैलापन सारी कटवाहट सारी ऋणा सारी चीज को हटाने के लिए पश्चाताप करने के लिए। दूसरी बात है यीशु के देह को पहचान, यीशु के देह को स्वीकार। मेरे हृदय में जो कड़वाहट है, नफरत है, गुस्सा है, सारी चीज को मैं मान कबूल कर प्रभु से माफी मांग। मैं मेरे प्रिय भाइयों को और नहीं दू, सिर्फ ये तुम दिखे ही नहीं, यीशु के शरीर है, विश्व भर के सारे परमेश्वर के संतों को मेरा भाई और बहन के रूप में स्वीकार।
प्रभु बोलचे रोग की रीति से उचित रीति से ले सकता अगर ऐसा करते तो ये बहुत आशीर्वाद का काम करेगा ऐसे कहता जो खाते पीते वक्त प्रभु की देह करे कोई छा जाए वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता इसी कारण तुम्हें बहुत से दर्द और रोगी है ये बात पिछले दिन मुझको बहुत दिन पाया ये सिर्फ एक शारीरिक बीमारी की बात नहीं करता अब निर्बल है निर्बल हो जाता पाप से लड़ने में निर्बल शैतान के विरोध करने में निर्बल समस्याओं की सामना करने में निर्बल अगर उचित रीति से रहेंगे तो मैं बलवंत किया जाएगा मैं सामर्थ पाऊंगा इस कंधार से प्रभु दोबारा बताएगा मुझको यहां लिखा है खाने की रीति से खाने के कारण बहुत सारे लोग निर्बल है रोगी है बहुत से सोई गए हैं अर्थात ये प्रभु को जब सही रीति से भाग नहीं लिया तो वो लोग मर गया यात्रिक मृत्यु आत्मिक मृत्यु की बहुत बड़ा खतरा यह है कि आत्मिक मृत्यु की अवस्था में मैं जानूंगा ही नहीं कि मैं मर चुका अरे तो भौतिक तरह क्या कहता तुम्हें चाहिए बाकी लोग कुछ जानते हैं पर मैं नहीं कुछ जानता I would have forfeited the glory of God. I would have forfeited the presence of God, which I have pretended that I have still today. पर शैतान भी जानता है, शायद शत्रु भी कुछ जानता है। यह है, अनेक लोग मर भी गए सो भी गए ऐसे कहता यदि हम अपने आप को जान देते तो डांटे ना पाते दूसरे के निर्मद के कारण नहीं ये हमारे लाभ के अगर हम अपने आप को जान देते तो आप दंड नहीं When we are judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be contempt along with the world. But Prabhu hame dand dega, dand to milega, wo daadna hai. Daadna ko swikar. Parmeshwar se jo antim dand hai, wo paane se kitna zyada acha. Yes. I would rather be disciplined. I would rather be chastised today. Adna, Adhona, Chandra. Parmeshwar ki or se karam kiya jana acha. Lekin to kya wo teen samay chuke hai. Hai aage cheez samne ho sakta hai. Isliye vachan mein baar 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 ye chetavni de raha hu. Word has been warning us over and over again, not to frighten us, not to threaten us, not to contempt us. हमें डराने के लिए, भयचकित कराने के लिए, या हमें बिठाने के लिए नहीं है। Trying to cleanse us, sanctify us, and purify us. आरुण और आरुण के संतान, हिरोशि में से खत्म था। On a very tragic day, Aaron would lose his sense. एक ऐसा दिन था, वो दूरी दिन में, आरुण तो बहुत सता है, पवित्र स्थल में इतना, हमारे साथ ऐसा नहीं, यीशु की बारी है, ताजगी से लबुदुगा वो कड़ा, he is ever fresh, वो दिख दिया गया मैं अपना सा, वो पिता के सिंहासन के बीच में खड़ा है मैं जाऊंगा मैं मानूंगा मैं विनती करूंगा मैं पश्चाताप करूंगा उसकी ओर से शुद्ध किया जाऊंगा धोया जाऊंगा कि उसे यदि सफेद हुआ
तुम्हारी सहाय का नदी की पाई है साइप्री तूने
शब्द लेने वाले अद्भुत बात है ये विशेष अधिकार मैं बलहीन दास इसको विस्तार में कह नहीं सकता सब जानते हैं लेकिन वो बात नहीं समझ के बात ये महायाद है इसलिए यीशु ने कहा यीशु ने हमें तुम्हारे वेश के लिए याजकों का संघ बनाया राजपद थारे याजक बनाया यीशु को ही कर सके बात के साथ एक साथ हम ये पवित्र पदार्थ को जो यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है अपना है Thank you.
लोगों ने रोटी लिया, उनको लाभ भी मिल गया। आइए परमेश्वर जी को धन्यवाद दें, स्मरण करें यीशु मसीह का पाप वो हमारे लिए बहा दिया। उस रोज कभी सुखती नहीं है, वो ताजगी से दुखा बंद किया गया अपने बना हमारे लिए सिंहासन के बिल्कुल मध्य भाग में निरंतर नित्य कर रहा है। उसकी मृत्यु को प्रचार करते हुए धन्यवाद देते आई हम सब कोई गांधी तरफ से यीशु का बहाया गया पावन लहू है अपनाए। धन्यवाद खुदावत, धन्यवाद 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 कृपा के लिए हमारे साथ के लिए धन्यवाद। क्या योग्यता क्या कमी है मुझ में झुकता धन्यवाद करता धन्यवाद यार के लिए धन्यवाद, पवित्र भोज के लिए धन्यवाद। अब इस सफर में आप नहीं टिक जाएंगे, अब नहीं पराजित होंगे, अब जयवंत होंगे, अच्छी कुश्ती लड़ेंगे, जय पाएंगे, दौड़ को पूरा करेंगे, इनाम पाएंगे, निश्चित के नाम में आमीन। आशीर्वाद दे।
विश्वास सनातन आशावादों के कारण हिम्मत स्वर्गीय ज्ञान समझता ही उसने पूछा पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य सर्वगति सर्वभाग्यता और अनुपाई हम सबके साथ मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ इतने भी व्यक्तियों के विषयों के प्रार्थना कर क्या करना चाहिए जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की बात हमारे देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक खास करके दुख संकट से परेशान के वाले लोगों के साथ लड़ाई के कारण महामारी के कारण अलग अलग तरह की बीमारियों के कारण तड़पने वाले लोगों के साथ उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ और पीड़ा से वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ और इसराइल और इसराइल के साथ भी सदा सर्वदा उसी के प्रणाम तक निरंतर बने रहे हाथ मिलाने की